अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ायंस डॉट कॉम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ में वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। इस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ज़ैम। आप सर्च इंजन में जाके ज़ैम सर्च करें, ज़ैम डाउनलोड, पहली वेबसाइट ये होगी डाउनलोड ज़ैम। उस पर आके आप यहाँ से ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर लें, डाउनलोड 64 बिट। उसके बाद आप जब ये डाउनलोड हो जाए उसको ओपन कर लें, उस पर डबल क्लिक करके ये आपसे कुछ परमिशन पूछेगा, उसको ओके कर दें, फिर नेक्स्ट करें। इन सब चीज़ों में से हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ एसक्यूएल रिक्वायर्ड है, अपाची रिक्वायर्ड है, ये तीनों चीज़ें अनचेक कर दें, साथ में सिर्फ पीएचपी रिक्वायर्ड है, पर्ल को अनचेक कर दें, और लास्ट में हमें सिर्फ पीएचपी माई एडमिन रिक्वायर्ड है, ये दोनों चीज़ें अनचेक कर देंगे। हमें अपाची चाहिए, माईएसक्यूएल चाहिए, पीएचपी चाहिए और पीएचपी माई एडमिन चाहिए। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। बाद में आप अपने ज़ैम्प को कभी भी सी ड्राइव में इंस्टॉल ना करें। उसका मसला क्या है कि अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है तो आपका जो भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप इस आइकॉन पे क्लिक करें और किसी और ड्राइव में एक ज़ैम्प का फोल्डर बना लें और उसमें इसकी इंस्टॉलेशन करें। फोल्डर बनाने के बाद उसे सेलेक्ट करें और बाद में नेक्स्ट कर दें और इसको अनचेक कर दें, नेक्स्ट कर दें, एक दफ़ा और नेक्स्ट कर दें। बाद में ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ज़ैम्प आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये लिखा हुआ आप इसको फिनिश कर दें, ये ज़ैम्प को स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट टाइम जब ये स्टार्ट होगा ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा, इसको इंग्लिश में ही रहने दें, सेव कर दें और आपका ज़ैम्प स्टार्ट हो जाएगा। जब ज़ैम्प स्टार्ट हो जाए तो हमें जब भी हम वर्डप्रेस पे काम करने लगेंगे हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, अपाची और MySQL। आपको इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट एंड स्टार्ट, इन दोनों सर्विसेज का स्टार्ट होना ज़रूरी है। जब ये आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगी, इनको अलाउ कर दें, अलाउ एक्सेस, और इस तरह ये ज़ैम्प आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आप ब्राउज़र में आएँ और सर्च करें लोकल होस्ट PHP MyAdmin। अगर ये पेज ओपन हो जाए तो इसका मतलब ज़ैम्प आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इस पेज पे आने का एक तरीका और ये है कि आप ज़ैम्प में आएँ और MySQL के आगे एडमिन पे क्लिक करें। अगर आपका ये पेज ओपन हो जाए मतलब ज़ैम्प आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। तो ये था विंडोज़ में ज़ैम्प इंस्टॉल करने का तरीका। अगर आपको इस सारे प्रोसेस में कोई भी मुश्किल आया तो काइंडली वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।